अरे इंद्र जी नो स्टेफ। वो बेटा आज विक्रम को कुछ काम था तो उसने मुझे भेज दिया वो रेंट लेने के लिए। अच्छा अच्छा आइए आइए अंदर आइए। थैंक यू। क्या लेंगे अंदर आप, चाय या कॉफी? बेटा मेरे लिए तो बस वो। हेलो। हाँ कौन बेटा, क्या कर रही है? करती हूँ ना बाबा आपको, काम कर रही हूँ अभी मैं। अरे ऐसा क्या काम कर रही है बेटा? अरे यार रुको थोड़ी देर, करती हूँ अभी। हाँ जी अंकल बताइए क्या कह रहे थे आप? बस बेटा मुझे एक गिलास पानी पिला दो। ठीक है लाती हूँ अंकल, और वो चेक भी लेकर आती हूँ रेंट का। ये लीजिए। वो क्या है ना, ट्रांजेक्शन है ना, आ रखा था तो हमने सोचा सब कुछ एक ही दे देते हैं इस बार। नहीं नहीं ठीक ठीक है ठीक। वो कुछ प्रॉब्लम है क्या अंकल चेक में? नहीं नहीं बेटा चेक तो बिल्कुल ठीक है। क्या है पापा, क्यों परेशान कर रहे हो बार बार फोन करके? बाद में करती हूँ ना बेटा, एक जरूरी काम है तुझसे, तो कर देगी क्या? अरे बाद में कर दूंगी, अभी बिजी हूँ, कोई आ रखा है घर पे, बाद में करती हूँ। हाँ जी अंकल बताइए। नहीं नहीं कुछ नहीं बेटा। क्या हुआ अंकल बताइए ना, हमसे भी क्या छुपाना? बेटा मैं ये कह रहा था कि वो एक छोटी सी हेल्प चाहिए तुम्हारी। हाँ जी बताइए क्या हेल्प चाहिए थी? वो कैसे परेशान कर रखा बाबा आपने, आपको समझ नहीं आती क्या? एक बार की बात, कहीं बैठी हो किसी से बात कर रही हो, बाद में करती हूँ आपको फोन। अरे बेटा मेरी बात तो सुन। बाद में करती हूँ ना। हाँ जी अंकल। वो कुछ पैसे कैश मिल जाएंगे? हाँ जी ये चला लो ना, आपको मिल जाएंगे बैंक से क्या? नहीं नहीं इससे अलग चाहिए थे, मैं पेंशन आते ही लौटा दूंगा। कितने? ये बेटा सिर्फ 2000 रुपए चाहिए थे, वो प्लीज विक्रम को बताना। 2000 बस? मतलब जिनके हम रेंट पर रह रहे हैं उनको 2000 की ऐसी क्या जरूरत? बस जरूरत थी बेटे, मैं इसीलिए मैंने मांगी आपसे। अंकल जी अगर कोई परेशानी है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। नहीं कोई ऐसी बात नहीं है, दे सकूंगी बेटा 2000। मैं पेंशन आती मैं सबसे पहले आके लौटा। अंकल जी बताइए कोई बात है तो। बेटा एक्चुअली अब ना हमारे घर में सब कुछ विक्रम के हिसाब से चलता है, पहले वक्त कुछ और था, अब वक्त कुछ और। बचपन में उसके छोटे छोटे शौक भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी जरूरत होते, लेकिन अब हमारे मेरे तुम्हारी आंटी के छोटे छोटे शौक भी उसको फजूल खर्च लगते हैं। वक्त बदल जाता, लेकिन अफसोस तब होता जब औलादे बदल जाती। माँ बाप पूरी रात बच्चे के पेशाब से गीले बिस्तर पर चुपचाप पड़े रहते हैं, चू नहीं करते, और बुढ़ापे में हाथ से थोड़ा सा पानी छलक जाए फर्श पर तो बवाल हो जाता है। कितनी मेहनत मुशक्कत से माँ बाप पालते हैं अपने बच्चों को, वो कभी कोई टाइम कोई घड़ी कोई कैलेंडर नहीं देखते, लेकिन बच्चों के पास माँ बाप के बुढ़ापे में चंद मिनट नहीं होते उनसे बात की बात सुनने। बचपन में बच्चे की आंख में धूल चली जाए ना तो माँ बाप थकते नहीं है फूंक मारते हुए, थकते नहीं है, लेकिन बुढ़ापे में माँ बाप की आंखें कमजोर हो जाए तो बच्चों के पास उनके लिए
न वक्त होता न पैसा। मजबूरी का आलम यह है कि आपकी आंटी को और मुझे छोटे छोटे शौक शौक पूरे करने के लिए आज बाहर से पैसे मांगने पड़े। बेटा वो कल हमारी मैरिज एनिवर्सरी, सोचा था कि आपकी आंटी और मैं पिक्चर देख के आएंगे, थोड़ा थोड़ा टाइम बिताएंगे साथ में। अब अगर मैं विक्रम से पैसे मांगता हूं तो बहस हो जाती, सवाल उठने लग जाते, उम्र का हवाला दिया जाता है। बेटा मैं पैसे लौटा दूंगा बेटा, मैं बस ये कल का दिन थोड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो हाँ जी अंकल जी मैं लाती हूँ पैसे, ये लीजिए अंकल जी। हाँ थैंक यू बेटा, थैंक यू, खुश रहो खुश रहो। हेलो लो कन्नू बेटा। मम्मी पापा किधर है? अभी तो तूने खुद ही उनका फोन काटा, यहीं बैठे हैं। कौन तूने? लेकर बात लो जी, बात कर लो। हाँ कन्नू बेटा। पंजी पापा क्या कह रहे थे आप? बेटा कुछ नहीं, वो मैं चश्मे की दुकान पे था ना, तो कुछ पैसे कम पड़ गए थे, सोचा तुझसे पूछ लो। चश्मे लिए होते? वो पुराने से ही काम चला दूंगा मैं, थोड़ा कम दिखता है ना मुझे, पर चल जाएगा। हेलो हेलो हेलो। हाँ बेटा कैसी है तू, और आदित्य कैसा है? सब ठीक है पापा।